मस्त में रहने का बेहतरीन पटकथा लेखक के रूप में स्थापित विजय मौर्य ने निर्देशन किया है। ये फिल्म मेट्रो शहर में अलग अलग आयु वर्ग के चार पात्रों की कहानी है, जो संघर्ष के बावजूद बेहतर जीवन जीना चाहता है। इन सभी पात्रों में एक बात समान है और वो है अकेलापन। कलाकारों की बात करें तो नीना गुप्ता मंझी अभिनेत्री हैं। उन्होंने प्रकाश कौर की मनोदशा, दर्द और जिंदगी के प्रति नजरिए को बखूबी आत्मसात किया है। विधुर कामत की भूमिका में जैकी श्रॉफ जंचते हैं। शॉर्ट फिल्म खुजली के बाद दोनों फिर साथ आए हैं। उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर काफी अच्छी लगती है। वहीं अभिषेक चौहान और मोनिका पनवार की परफॉर्मेंस भी शानदार है। फिल्म में मेहमान भूमिका में राखी सावंत भी हैं। ये फिल्म शहर की उदासीनता और उदारता के साथ बुजुर्गों के अकेलेपन पर नया दृष्टिकोण पेश करती है। मुंबई में 12 साल से अकेले रह रहे 75 वर्षीय विधुर कामत अनुशासित जीवन जीते हैं। वह ज्यादा सामाजिक नहीं है। घर से बदबू आने पर पुलिस उसके घर आती है। बेहोश कामत बताता है कि घर में घुसे चोर ने उसे मारा। पुलिस उसे लोगों से मिलने जुलने को कहती है, ताकि अगर कोई घटना हो तो लोग उसे खोज सकें। वह कनाडा से लौटी प्रकाश कौर हांडा का पीछा करता है, जो अकेले रहती है। वह बेटे बहू से अनबन के चलते स्वदेश लौट आई है। प्रकाश कौर काफी खुशमिजाज और उत्साही महिला है। वह गाली गलौज में भी बिंदास है। थोड़ी गलतफहमी के बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसकी मुलाकात सड़क पर भीख मांगने वाली रानी से होती है। उधर अपने अकेलेपन को बांट रहे कामत और प्रकाश ऐसे लोगों को खोजते हैं जो अकेले रह रहे हैं और जहां पर चोर के आने की संभावना है। कामत अकेले रह रहे लोगों की दिनचर्या जानने के लिए उनका पीछा करता है। सवे के बाद कामत और प्रकाश खाली घरों में खाने और पीने घुसने लगते हैं, जैसे वह उन लोगों से मिलने गए हों। वहीं दूसरी ओर चोर है, जो अपनी मजबूरियों के चलते घरों में घुस रहा है। फिल्म के एक दृश्य में प्रकाश कौर किटी पार्टी से जोड़ने का अनुरोध करती है। उस पर महिलाओं की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि अकेले लोगों के प्रति उनकी सोच कितनी संकुचित और संकीर्ण है। मुंबईया भाषा में मस्त में रहने का अर्थ है कि हर हाल में खुश रहना। ये फिल्म में संघर्षों के बावजूद खुशी ढूंढने और जिंदगी को दूसरा मौका देने की बात करती है। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।